well, good morning student, it's Mohit sir and I am going to teach GK subject of class 6 and this is your first chapter on your screen, birds around us, yani ki hamare charo taraf ki chidiye, jitne bhi chidiye hain, wo hamare charo taraf jitne bhi chidiye, unke baare mein is chapter mein diya gaya hai. वेल सो पहले हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे चिड़िए हैं जिनके बारे में हम लोग जानेंगे, उसके फीचर्स के बारे में जानेंगे और क्लू बॉक्स की मदद से उनके नाम को हम पहचान करेंगे. राइट बच्चों, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस बर्ड विच इंक्लूड वाइल्ड टर्की एंड फिश एंड आर ऑफ्टन हंटेड फॉर फूड. तो ये जो बर्ड है जिसकी पहली सबसे पहले कहा जा रहा है, इसे गेम बर्ड कहा जाता है और ये तुर्की एफिशिएंट के जगहों पे ये पाया जाता है और ये शिकार करके अपने खाना को पाता है, ये अपने खाने के लिए शिकार करता है. सो दैट्स नेम इज़ गेम बर्ड एंड यू हैव टू रिकॉग्नाइज दिस बर्ड एंड सी दिस पिक्चर. आप इस पिक्चर में इस बर्ड को देख कर पहचान सकते हैं और ये बर्ड को गेम बर्ड कहा जाता है. देन आफ्टर देयर एबिलिटी टू इमिटेट ह्यूमन वॉइस मेक्स देम पॉपुलर पैट्स. ये पॉपुलर पैट्स यानी बहुत ही मशहूर पैट्स में से है और ये ह्यूमन वॉइस यानी कि इंसानों की आवाज़ निकाल सकता है, जिसे पैरोट कहते हैं. आप लोगों ने खास करके बहुत सारे बच्चों ने इसको देखा है, पैरोट्स. दरअसल ये इंसानी आवाज़ को हूबहू नकल करता है, ठीक इंसान की तरह ये बोल भी सकता है, जिसको हम लोग पैरोट कहते हैं. दिस बर्ड इज़ फाउंड इन साउदर्न हेमिस्फीयर एंड स्पीड इक्वल टाइम ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर. तो ये जो बर्ड है इसे हेमिस्फीयर के दक्षिण दिशा दक्षिण साइड में इसको पाया जाता है और इसकी स्पीड जो है ये लैंड और पानी यानी कि ज़मीन और पानी में इक्वल स्पीड है इसकी, और इसकी स्पीड इक्वल है. ये लैंड में भी उतनी ही तेज़ी से दौड़ सकता है जितने कि ये वाटर में. सो इस बर्ड को कहा जाता है पेंगुइन. तो ये दोनों जगह पानी में भी स्विम करता है और ये इसके जो विंग्स होते हैं इससे ये पानी में स्विम करता है, बट इट ये लेकिन उड़ नहीं सकता, फ्लाइटलेस बर्ड है जिसे पेंगुइन कहते हैं. एंड दिस इज़ नाइट हंटर्स एंड यूज देयर शार्प हियरिंग एंड आई साइट टू फेच द फूड एंड कैच देयर प्री. तो इन्हें नाइट हंटर्स यानी कि रातों का शिकारी भी कहा जाता है, जिसे हम लोग आउल कहते हैं यानी उल्लू, और इसे रातों में देखा जाता है. ये देखने में काफ़ी फ्रीटेंड होते हैं एंड और ये क्या करते हैं, इनकी सुनने की जो क्षमता है ये बहुत शार्प है, शार्प हेयरिंग एंड आई साइट टू फैच, और इनकी आई जो आँखें हैं ये फैच फॉर फूड एंड कैच डियर प्रेरी, और ये अपनी आँखों से ये इनकी जो ये है क्या बोलते हैं, सुनने की क्षमता बहुत तेज़ है. इन्हें उल्लू कहा जाता है और इन्हें आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे, ये देखने में काफ़ी डरावना भी होता है. वेल स्टूडेंट एंड नेक्स्ट उसके बाद आ रहा है आप लोगों को नंबर 5. The new world bird measuring in 7.5 to 13 centimeter range and is specialized nectarver. और ये जो birds होते हैं ये birds बहुत छोटे होते हैं, इनके 7.5 से लेकर 13 सेंटीमीटर रेंज तक होते हैं इनके बर्ड, और ये बर्ड जो है काफ़ी छोटे होते हैं, जिन्हें कहा जाता है ह्यूमिंग बर्ड्स एंड इसे स्मॉलेस्ट बर्ड भी कहा जा सकता है, वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट बर्ड.
सो दैट इज ह्यूमिंग बर्ड्स. सो वेल नंबर सिक्स, दिस इज ऑल्सो नोन एज सॉन्ग बर्ड बिकॉज ऑफ डियर वेस्टलिंग कैपेबिलिटी. अब जो आ रहा है इसे क्या कहा जाता है, सॉन्ग बर्ड यानी कि गाना गाने वाला यानी गीत गाने वाला चिड़िया. एंड इसकी जो क्षमता होती है, कैपेबिलिटी है, ये गीत गा सकता है, जिसे पैचिंग बर्ड भी कहा जाता है. पैचिंग बर्ड. वेल देन आफ्टर द फीचर्स ऑफ दिस बर्ड कैन रीच अप टू 6 feet लॉन्ग एंड मेक अप अराउंड 60% ऑफ इट्स बॉडी लेंथ. वेल अब जो बर्ड्स आ रहा है इस बर्ड्स के इसकी जो फीदर्स यानी पंख जो है, इसके जो पंख्स हैं ये अप टू 6 feet यानी 6 feet लंबे एंड मैक्स अप अराउंड 60% अपने बॉडी के लेंथ के 60% ये अपने पंखों को खोल सकते हैं, इतने बड़े कर सकते हैं, जिसे हम लोग पीकॉक कहते हैं. सो वेल दिस is considered as symbol of good visitor or loyal friend. This medium-sized bird with unique cutters that open over the top of the head. So well, तो ये जो है hoop eagle जिसको कहते हैं, वो जो है एक good visitor है और ये अच्छा एक घूमने वाला, बहुत दूर तक ये जा सकते हैं. एंड ये बहुत ही मीडियम साइज के होते हैं. और दूसरा ये इनके जो सर पे हेड के ऊपर एक मतलब उनके सो वेल तो ये जो है हुप ईगल है और ये गुड विजिटर है और ये जो बहुत काफ़ी जगह पर ये घूम सकता है एंड मीडियम साइज के होते हैं. देन आफ्टर सो नंबर टू चैप्टर. अब बच्चों इसमें आप लोग जानेंगे नोइंग रेप्टाइल्स. सो नोइंग रेप्टाइल्स तनी यार ये रेप्टाइल्स दैट मीन्स इसका मतलब ये होता है जो रेंगने वाले जो जीव होते हैं वो रेप्टाइल्स है, रेंगने वाले जीव. सो द फ्रिल नेक्ड लिजर्ड और फ्रिल ड्रैगन इज फाउंड इन द ड्राई रीजन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू गिनिया. It can grow up to 1 meter long, include its tail. It has large frill around its neck that it can raise when it gets disturbed, and the frill means to fend off whatever disturbs it. तो बच्चों ये एक किस्म का ये आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले रेंगने वाले ये जीव है और इनकी लंबाई 1 meter तक होती है, इंक्लूडिंग टेल, इनके पूछ जो है उसे लेकर 1 meter तक इसकी लंबाई होती है. उसके बाद आते हैं चैमलोन्स, इंक्लूड एंड डिस्टिंक्टिव लुकिंग फैमिली ऑफ लिजर्ड्स. ये भी एक छिपकली के परिवार के सदस्य की तरह दिखने वाला होता है. एंड द मोस्ट फेमस फीचर्स ऑफ चैम्पियंस इज दैट कैन चेंज देयर कलर. और इसकी एक खासियत होती है कि ये रंग बदल सकता है. तो ये अपने आसपास किसी भी चीज़ की आहट पर ये अपने रंग को बदल सकता है, काफ़ी देर तक ये रंग बदल कर रह सकता है. दे कैन मूव देयर आइज आइडेंटिपेडेंटली एंड टर्न देम इन टू डिफरेंट डायरेक्शन. और ये अपनी आँखों की जो दो आँखें हैं इन्हें डिफरेंट दो डायरेक्शन में, दो दिशाओं में इसे घुमा सकते हैं. सो वेल अनदर इज कोमोडो ड्रैगन्स आर द लार्जेस्ट
स्पाइसेस ऑफ लिजर्ड प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अब दूसरे में आ जाइए कि ये ड्रैगन्स जो है ये लार्जेस्ट सबसे बड़ा छिपकलियों में छिपकली के वंश में सबसे बड़ा इस दुनिया में पाए जाने वाले रेप्टाइल्स है। दे एक्ट एज मॉनिटर्स, दे ग्रो अप टू 3 meters, ये 2 से 3 meter तक ग्रो हो सकते हैं और इनके जो वेट है ये 70 kilograms तक होते हैं। दे लिव ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग ऑफ आइस स्ट्रिंग ऑफ आइसलैंड्स इन इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के आइसलैंड में ये वहाँ पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग द कोमोडो आइसलैंड। तो इन्हें कोमोडो ड्रैगन कहते हैं और इसे कोमोडो आइसलैंड भी बोल के जाना जाता है। सो वेल बच्चों, एंड द नेक्स्ट द टोटरस एंड लिजर्ड लाइक एनिमल्स फाउंड ऑन ए फ्यू आइसलैंड एंड अराउंड न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के कुछ आइसलैंडों में ये जीव पाए जाते हैं जिसे आप पिक्चर में देख सकते हो, इसे टोटरस भी कहते हैं। एंड दे लिव अंडरग्राउंड ब्रोज ड्यूरिंग द डे, और ये दिन के समय अंडरग्राउंड रहते हैं और जैसे ही रात होती है ये बाहर निकल आते हैं। दे आर ऑन द डोज फ्यू रिपटाइल्स विच कैन विस्टैंड एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर, इन्हें कोल्ड टेम्परेचर में ये रह सकते हैं। अगर इन्हें ज़्यादा गर्मी अगर हो तो ऐसी जगह पर ये नहीं रह सकते, इन्हें रहने के लिए कोल्ड टेम्परेचर चाहिए जिसके कारण ये रात को निकलते हैं और दिन के समय में ये अपने आप को पूरी तरह से हाइड कर लेते हैं यानी छिपा लेते हैं। देन आफ्टर थॉर्नी डेविल्स ऑल्सो कॉल्ड द थॉर्नी ड्रैगन्स आर लिजर्ड दैट लिव्ड इन द ड्राई रीजन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो ये ऑस्ट्रेलिया की सूखी जगहों में मिलते हैं, इनको थॉर्नी डेविल्स भी कहा जाता है और थॉर्नी ड्रैगन्स भी कहा जाता है, और ये 8 inch लॉन्ग होते हैं, जिनसे 8 inch के लंबे होते हैं और ये जी सकते हैं लगभग 20 साल की इनकी जीवन चक्र होता है। देयर स्किन हैज़ चैनल्स दैट हेल्प टू फ्यूनेल द वाटर टू देयर माउथ व्हेन दे गेट देम, एंड देयर स्किन आल्सो अलाउज देम टू ड्रिंक मॉर्निंग ड्यू, और ये जो है अपने स्किन के माध्यम से भी आप वाटर ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो वेल बच्चों, एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर, आपने इसमें जाना अमेजिंग कुछ रेप्टाइल्स के बारे में, उनकी फीचर्स के बारे में जाना और उनके कहाँ कहाँ ये सब पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये रेप्टाइल्स दैट मीन्स के रेंगने वाले जीव होते हैं। देन आफ्टर नंबर 3, डायनासोर्स। सो यहाँ पर कुछ डायनासोर्स के बारे में बताया गया है। इट हैड बोन्स दैट वेयर फुज टूगेदर टू मेक इट स्ट्रेट, सो इट कुड स्विंग इट्स टेल क्लब फ्रॉम वन साइड टू अदर लाइक ए मैक। ये जो डायनासोर के बारे में बताया गया है, इसके जो टेल है उस टेल को ये क्या कर सकते हैं, स्विंग कर सकते हैं, लहरा सकते हैं फ्रॉम वन साइड टू अदर, एक साइड से दूसरी तरफ तक ये लहरा सकते हैं। और इट हैड बोन्स दैट वेयर फ्यूज टुगेदर, और इनके शरीर में बहुत सारे हड्डियाँ एक साथ जुड़ी रहते हैं। सो वेल इट वाज, आप लोगों को ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स जो है इन सब डायनासोरों का नाम लिखकर आप इसको फेयर कॉपी भी कंप्लीट करेंगे। इट वाज 12 feet लॉन्ग एंड 7 feet हाई एंड वेट बिटवीन 10 to 150 kilograms। इट वॉज ए स्विफ्ट रनर रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 70 kilometers पर आवर। अच्छा, ये जो है 12 फीट लंबा और 7 फीट हाइट के होते हैं और इनके वजन जो है 10 to 150 grams तक, 150 kilograms तक होते हैं। इट वॉज स्विफ्ट रनर, ये स्विफ्ट रनर है, मैं यानी कि स्विफ्ट एक चिड़िया का नाम है, ये बहुत तेज रनर भी हैं। रनिंग एट स्पीड, इनकी स्पीड जो है 70 kilometers पर आवर है, इतनी तेज ये दौड़ भी सकते हैं। सो इट्स रियली वेरी डेंजरस
सो वेल इट वॉज बिग डायनासोर फीचर्स ह्यूज प्लेट्स एज इट्स बॉडी आर्मर टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम अदर ट्रैकर्स इट ऑल्सो हैड मिसेबल टेल क्लब दैट इट कूड यूज टू जेनरेट ए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इट वॉज अ बिग डायनासोर फीचरिंग ह्यूज प्लेट्स एज इट्स बॉडी आर्मर टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम अदर ट्रैकर्स ये एक बड़ा डायनासोर है और इसे बहुत बड़े इसकी बॉडी होते हैं इसके बहुत ही बड़े पैमाने में इसके बॉडी होते हैं और ये अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए अट्रैकर्स भी है इसके मतलब कुछ अट्रैकर्स होते हैं एंड इट ऑल्सो हैड ए मिसेबल टेल और इसके एक बहुत से मिसेबल मतलब छोटे मैसेबल बहुत ही पतला और लंबा टाइप का इसके टेल होते हैं दैट इट कूड यूज टू जनरेट ए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स जिससे वो बहुत ही लार्ज अमाउंट के फोर्स यानी कि दबाव ये पैदा कर सकते हैं इट हैड वेरी स्मॉल आर्म्स एंड फिंगर्स दैट डिड नॉट मूव इट वॉज जनरली फाउंडेड इन एन एरिया इन साउथ अमरीका नोन एज पेंटागोनिया इट हैड यूनिक आइज दैट फेस्ट फॉरवर्ड रेदर दैन टूवर्ड्स द साइड लाइक मोस्ट अदर डायनासोर्स तो ये जो होते हैं इनके बहुत ही स्मॉल आर्म्स होते हैं इनके फिंगर होते बहुत छोटे होते हैं और ये डिड नॉट मूव और ये मूव नहीं कर सकते इट वॉज जनरली फाउंडेड इन एरियन साउथ अमरीका ये खास करके साउथ अमरीका में पेंटागोन में पाए जाते हैं इट हैड यूनिक आइज इनके एक मतलब खास आइज होते हैं दैट फेस्ट फॉरवर्ड इनके चेहरे के ऊपर एक मतलब खास यूनिक आइज होते हैं रेदर देन टूवर्ड साइड लाइक मोस्ट अदर डायनासोर्स और ये इनको दूसरे डायनासोर से कुछ खास अलग बनाता है इट यूज टू वर्क ऑन टू लेग्स बैलेंसिंग इट्स यूज हेड विथ अ लॉन्ग एंड ए हैवी टेल और ये जो है ये जो चलते हैं दो लेग से ये डायनासोर जो है ये दो लेगों से चलते हैं और इनके लंबे टेल होते हैं दैट ऑफ्टन अबाउट 40 वर्टिब्रेट्स इन इट इट हैड स्मॉल आर्म्स इनके छोटे आर्म्स होते हैं दैट वर एक्सट्रीमली पावरफुल एंड हैड टू क्लिव्ड फिंगर्स अटैच्ड टू देम तो ये जो होते हैं इनके बहुत छोटे आर्म्स होते हैं और ये